आज 4-5 दिन हुए देसा के दौरे पे हूँ मैं। देसा दौरा इसलिए हमारे लिए मस्त था कि हमने हर गांव को टच करना था, हर एरिया को टच करना था। हमने देखा, देखना था कि क्या ये देसा वैली में जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या उनकी खास जरूरत के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग इस टाइम मुश्किल की उस घड़ी में है। मगर हमने देखा इस सबसे पहले यहाँ देसा में रोड की एक बहुत जरूरी है, रोड नहीं थी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पे राशन नहीं है, यहाँ सब सेंटर है, आंगनबाड़ी है, स्कूलों की खस्ता हालत है। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ देसा ग्रामीण जरतुन बुजला, मैं आज यहाँ से गुजरता हुआ आया था। यहाँ एक हमारा पीएस बुजला में स्कूल है, उस स्कूल में गया था मैं, तो वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली चल रही थी, तो चलते चलते 2 मिनट मैंने वहाँ पे गया। मैंने जब उस स्कूल के पास गया, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई। मैंने इसलिए बनाई वो कि स्कूल की जो हालत थी खस्ता हालत थी वहाँ पे, मैंने मुझे अब उसके बाद पता चला, जब लोगों ने कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी तो उसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट हुआ, उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे 50 बच्चे हैं पीएस बुजला में, किसी बीजेपी का कोई लीडरशिप है जिसने वहां से उस स्कूल से उस टीचर की वहां से ट्रांसफर कराई है। मुझे जहां मैं सुनने को आया वो जीवन लाल है, कोई टीचर है वहां पे, वो हिंदी पढ़ाता था, 50 बच्चे है पीएस बुजला में। मगर अब वो बच्चे जो है, लोग जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, लोग इतने मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वहां पे जो टीचर है वो हिंदी पढ़ाता था, हिंदी स्टूडेंट थे वहां पे, वो हिंदी पढ़ाने वाला टीचर था जो वहां पे पहले था, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा कोई टीचर आया, वो उर्दू टीचर है। अब बच्चे हिंदी पढ़ते थे, आ गए उर्दू टीचर, तो बच्चे जो है डिस्टर्ब हो गए क्योंकि वो हिंदी पढ़ा नहीं सकता। उसके साथ साथ 50 बच्चे हैं, उसका ऑफिस का भी काम है, उसको ZDO ऑफिस में जाना पड़ता है, पीछे से बच्चे 50 बच्चे। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाने की वजह से वो घर ही बैठते तो ठीक है। अब उन लोगों की एक जो समस्या है, मेरी ZDO साहब से और CEO साहब से रिक्वेस्ट है कि जो टीचर पीएस बुजला में है जीवन लाल जी, उसको फौरन यहाँ पे स्कूल में लाया जाए। और स्कूल की जो हालत है, वहाँ पे बाथरूम नहीं है, वहाँ पे टैंक नहीं है, और मुझे पता चला कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि उस स्कूल से अंदर से बड़े बड़े वहाँ पे हालात उस स्कूल के ऐसे खराब है कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ चारों तरफ जो दीवारें हैं वो फटी हुई है, होल बने हैं दीवारों को, तो वहां से सांप निकला था कहीं पहले बच्चों के बीच में, तो इतनी खस्ता हालत है कि अगर वो सांप उस दीवारों में छुपा है तो अंदाजा लगा सकते हो कि उस स्कूल की क्या हालत है। अब वो वीडियो देखने के बाद कुछ बीजेपी के कुछ लोगों को, उन चमचों को कुछ मिर्चे लग गई, वो कुछ ऊपर नीचे